लगा के इवरी लगा के ज़्यादा आता 60-70 रुपये बचती है। 60-70 रुपये पूरे दिन में आपको 60-70 रुपये पूरे बचते। दिन में। जो बाजारों में जैसे लाइटिंग आई है, पहले आपका पहले जब दीपावली होती थी, पहले जब त्यौहार होते थे, पहले ज़्यादा बिकते थे या अब ज़्यादा सेल हो रही है? पहले ज़्यादा बिकते थे, पहले लाट नहीं थी, अब लाट आ गई है तो लाट करने आदमी लोग बाग, पहले वो 100 खरीदते थे, अब 10-20 से ही काम चला लेती पूजा के लिए बस। और हमें वही बच पाता है यहाँ से 70-80 रुपये पूरे दिन में। 70-80 रुपये पूरे दिन में 70-80 रुपये कमा पाते हैं। अच्छा, पहले जब त्यौहार होते थे पहले ज़्यादा बिकते थे आपके या अब ज़्यादा बिक रहे हैं? नहीं, ऐसा है अब ज़्यादा कम बिकती है, पहले ज़्यादा बिकती थी, पहले लाइट नहीं थी। क्या क्या है, क्या क्या कारण है कि अब कम बिक रहे हैं? अब ये बिक रहे हैं कम के लोग जो है झल्लरों से काम चलाती है, मोमबत्तियों से काम चला लेते हैं, और तुम्हारे चाइना की आइटम बंद होने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। अब चाइना का आइटम ज़रा कम बिक रहा तो दीपला में पैसा जा रहा है। पहले दीपक बहुत हर आदमी लेता था, अब आदमी ज़रा पहले 100 लेता था, अब 10-20 से ही काम चला लेता है। ऐसा है, मिट्टी जो है हमारे अब ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मिट्टी के दिए आते थे दीपक वगैरह, बड़े छोटे उससे भी छोटे, ये इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि अब जो है बाज़ार में जो है चाइना के बहुत आइटम आ चुके हैं, जैसे कि झालर रही, दीपक भी चाइना के आ रहे हैं और बत्तियां भी चाइना की आ रही हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी के जो बनने वाले जो भी बर्तन थे, दीपक थे, जो दीपावली पर जिसके पास आए जाते थे, वो पूरी तरीके से विलुप्त होते जा रहे हैं। और इसी कारण जो है जो मिट्टी से जो है दीपक वगैरह जो बनाते थे मजदूर लोग जो हैं, वो आज जो है भुखमरी के कगार पे हैं। उनके बच्चे हटे हुए कपड़े पहनेंगे, दीपावली पर मिठाइयाँ भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि उनका आइटम जो है कोई खरीदता नहीं है। आजकल चमक दमक का ज़माना है, पश्चिमी सभ्यता पूरी तरीके से हमारे यहाँ हावी हो चुकी है और चाइना को ही ज़्यादा महत्वता दी जा रही है, जिसके कारण आकर्षण तो है लेकिन जो देसी हमारे यहाँ की भारत की जो सभ्यता है वो पूरी तरीके से समाप्त होती जा रही है। इसी कारण जो है मिट्टी के जो आइटम है वो कम बिक पा रहे हैं और इसी कारण जो है दीपावली की जो रौनक है वो कम होती जा रही है, हमारी सभ्यता विलुप्त होती जा रही है।